हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ दीपक है एंड वेलकम टू माय चैनल मैरेज। तो दोस्त, आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ पनीर चिल्ली। तो चलिए डरी ना करते हुए पनीर चिल्ली कैसे बनाते हैं शुरू कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि नया नोटिफिकेशन मिले आप लोग के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चिल्ली बनाने के लिए मटर ले लिया हूँ और पनीर ले लिया हूँ और चिल्ली ले लिया हूँ। चिल्ली में से ग्रीन चिल्ली ले लिया हूँ और थोड़ा कैप्सिकम ले लिया हूँ और मैंने ऑनियन को थोड़ा पेटल करके काट लिया हूँ, ऐसा पेटल पेटल करके काट लिया हूँ। और एक और दो ऑनियन को लेके चॉपिंग कर लिया हूँ। थोड़ा जिंजर गार्लिक का मैंने थोड़ा बारीक से काट लिया हूँ। एक टमाटर को चॉपिंग कर लिया हूँ। इसी जगह में मैंने बटर ले लिया हूँ, एक छोटा सा मैगी का मसाला ले लिया हूँ, ये ऑप्शनल है आप डाल सकते हो। सोया सॉस ले लिया हूँ और विनेगर ले लिया हूँ। बटर को मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में। जिंजर को मैंने ऐड कर दिया है, गार्लिक को थोड़ा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चला देता हूँ। अभी मेरा जिंजर गार्लिक जो था थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, मैं बटर में भून के थोड़ा सा जिंजर गार्लिक को ब्राउन कर लिया हूँ। अभी मैं थोड़ा कटा हुआ जो बारीक से कटा हुआ जो ग्रीन चिल्ली लिया था उसको इसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं हाफ टी स्पून करीब नमक इसमें ऐड कर देता हूँ और इसको लीड लगा के 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देता हूँ। अभी मेरा कैप्सिकम को पकाते हुए 2 मिनट करीब करीब हो गया है। अभी इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज जो लिया था उसको ऐड कर देता हूँ। और कुछ प्याज को जो मैंने पेटल करके काटा था उसको भी इसमें ऐड कर देता हूँ। ग्रीन पी को भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। थोड़ा सा विनेगर इसमें ऐड कर देता हूँ। कुछ देर इसको पकने के लिए हाई फ्लेम में मैं ढक्कन लगा के इसको छोड़ देता हूँ। मेरा ग्रीन पी, कैप्सिकम और प्याज को पकाते हुए करीब करीब 2 मिनट हो गया है। मेरा ये भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है पक के। अभी इसमें मैं टमाटर को जो बारीक काट के लिया था उसको इसमें ऐड कर देता हूँ। इसको चला के थोड़ी देर के लिए ढक के फिर से मैंने छोड़ देता हूँ। अभी मेरा सारा वेजिटेबल पक गया है। अभी मैं इसमें पनीर को ऐड कर देता हूँ। सोया सॉस लिया था उसको भी इसमें डाल देता हूँ। मैगी का मसाला को भी इसमें लास्ट में ऐड कर देता हूँ और अच्छा से चला लेता हूँ इसको। अभी मेरा मटर पनीर का जो चिल्ली था वो बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसके आपको बाउल में सर्व करके दिखा लेता हूँ मेरा मटर पनीर का सब्जी कैसे डिलीशियस बना है।